गाइस गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस अभी देखो शाम के 5 बज रहे हैं और रात ही होने वाली है 1-2 घंटे के बाद, लेकिन भाई हमारे अंदर जो कीड़ा है ना ऑफरोडिंग का, वो जागा है 5:30 बजे और अभी जा रहे हैं भाई ऑफरोडिंग के लिए। 2 गाड़ियां हैं और अभी देखते हैं दो ऑब्स्टिकल करेंगे, जो मेरे पुराने वाले हैं वही करेंगे। ये जो हमारे साथ हमारे दोस्त आए हैं ना, इनको दिखाते हैं पहले ऑब्स्टिकल की कहाँ से गाड़ी को हम नीचे उतारेंगे और कैसे कैसे करेंगे। हम तो अक्सर उतारते रहते हैं लेकिन देखते हैं भाई, भाई को बोलते हैं रोक तो भाई पीछे ही। हाँ जी, तो लवली भाई आज हमारे साथ भाई ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। हेलो लवली, क्या हाल है? बढ़िया, आप बताओ। और ये काकू क्या हाल है? ठीक है, आपका नाम भाई? रजनीश। ये रजनीश भाई भी आज हमारे साथ। ये बैग रख दो भाई, ऑफ रोडिंग में बैग का काम नहीं है। ठीक है भाई। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे ऑब्स्टिकल टफ है भाई, क्या लग रहा है? तो यहाँ पे भाई सभी देख रहे हैं ऑब्स्टिकल, तो मैं क्या करूँ भाई, आप मैं उतारूँ पहले? मुझे पता है मेरे को ही उतारनी पड़ेगी क्योंकि ऐसे किसी का हौसला नहीं बनेगा। और देखते हैं भाई, हम गाड़ी जान लो अभी आ रही है भाई कैंपर 4x4। थोड़ी सी इसकी गाड़ी की लेंथ लंबी है, नीचे से टच हो। आप ना परे ले जाओ, परे से घुमा के ला से। ठीक है हाँ हाँ, पहला लोड डालना है, आने दे आराम से। सुन उस साइड को ले थोड़ी, जाने दे, स्लो बिल्कुल स्लो उस साइड को, और ले और उस साइड को, अरे करो ना, अरे टायर ऐसे काटेगा तो पकड़ बनेगी, सीधी एकदम से जाएगी इस साइड को। नहीं एकदम कर, इस साइड को काट टायर। अरे भाई वो भी खाली थी, अपनी मर्जी का कर ले फिर, बिल्कुल स्लो आने देना, सीधी कर आने दे। अरे आराम से आएगी, क्यों डर रहे है तू? आने दे, स्लो बिल्कुल स्लो, बस ऐसे ही आने दे, कुछ भी नहीं होगा गाड़ी को, पकड़ के बैठ पक्का तू अंदर, बस आने दे बस। कोई नहीं, इसकी जो नंबर इसका ना लेंथ ज्यादा लंबी है ना, तो क्या हुआ इसका जो नंबर प्लेट है ये टेढ़ी हो गई, ठीक है ना, ये कुछ नहीं है इसका। कैसा लगा फिर एक्सपीरियंस? बढ़िया, दिल की धड़कन बता अपनी। ठीक है, चले आगे फिर, चलो भाई आगे चलते हैं भाई। हाँ जी, नेक्स्ट ऑब्स्टिकल दिखा मुझे यहाँ पे घंटा लगा था मेरे को गाड़ी को निकालने के लिए, मैं फंस गया था गाड़ी एकदम से, मेरे को तो उस टाइम लगा था कि टेडी गिर गई। हाँ यही जगह है देखो, अब ये तो नॉर्मल होगी, ये तो उतर जाएगी यहाँ से, उस दिन तो ये बराबर थी पूरी ऊंची ऊंची तक। भाई थोड़ा सा पीछे ले लो, थोड़ा सा वो ज्यादा हाइट पे आ गई गाड़ी। वो टायर कितने ऊपर है, नीचे आने वाला है कि ऊपर है? इतना यहाँ पे है टायर थोड़ी सी जगह है आगे, अब अभी बहुत दूर है, दूर है भाई, अभी दूर है, थोड़ा पीछे ले लो एक बार, पीछे लाऊं? हाँ जी। क्या बात है भाई, धीरे धीरे डरना नहीं, अब आराम से उतारियो गाड़ी, जैसे बताएंगे हम, ठीक है? बढ़िया, चल आने दे, बिल्कुल स्लो आने दे, थोड़ा अबे उतार दे तू साइड को, सीधी कर, टेढ़ी नहीं कर,
पीछे कर, पीछे वाले टायर मूव नहीं कर रहे हैं। ये पंगा भाई, जिस गाड़ी के अंदर डिप नहीं है ना तो ऐसे हो जाता है। अब पीछे भी नहीं होगी गाड़ी, करो पीछे जरा। हमारी लॉक ले लेती है, जो टायर हवा में होता है लॉक हो जाता है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर डिफरेंशियल नहीं है। डिफरेंशियल है लेकिन लॉक सिस्टम नहीं है। ये देखो भाई, ये फ्री है ना टायर, तब भी घूम रहा है। अब क्या समझे आप, यही होता है डिप लॉक। ये लॉक होने चाहिए था टायर, लेकिन ये ब्रेक लेके लॉक हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। सुन, नहीं कुछ नहीं है, आराम से लगा, कोई दिक्कत नहीं है इसकी, और कुछ नहीं है ऐसा तो। लेकिन मैं बोलता हूँ थोड़ा पीछे लगा जोर, टेम्पर और थार का फर्क देख लो भाई। चलो भाई डाले के अंदर आ जाओ भाई, चलो भाई कैमरा मैन डाले के अंदर, बैग लेना है ना। चल भाई रुक रुक रुक, चल अंदर अंदर डाले के अंदर। तो भाई डाले के अंदर जाना पड़ेगा, इसके अंदर डिफ लॉक नहीं है। चलो नहीं नहीं अंदर जाओ यार, रुक जाना काकू, पीछे जाओ, मैं यहाँ लटक जाता हूँ ना। आज लगेगा पता, चल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। रुक, अब एक तरीका, रहने दे जोर नहीं लगाना कुछ भी, अब चलेंगे थोड़े माइंड से। पकड़ो भाई, रुको एक मिनट भाई, उत्तर नहीं दिया। चल 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 चल, जान दे भाई, जान दे, आले आले जान दे, जान दे, चल चल चल, पत्थर दे लेंगे, पत्थर दे लेंगे, जान दे। इसका भाई स्टेपनी लग सकती है नीचे, उधर तो लगी नंबर प्लेट ना। इसको अगली बार खोल के आना ऑफ रोडिंग के लिए, और स्टेपनी वगैरह काट ली है ना। भाई बिल्कुल राम राम से उतार, राम राम से परे वाले साइड देना, पत्थर कर ले जी, खिलो देना दे, निकल जाएगी थोड़ी सी, लगेगी नहीं यार, कुछ नहीं। स्लो स्लो स्लो, बिल्कुल भाई स्लो दे जाने, नंबर प्लेट लगी है। हां भाई चेक करो गाड़ी को चढ़ा के, बेटा साइड हट जाओ, आप ऐसा पीछे ले पीछे ले पीछे ले। वैसे तो मेरे को मुश्किल लग रहा है भाई, कैंपर का 4x4 है, लेकिन जो कैपेबिलिटी थार के अंदर होती है ना वो इसके अंदर नहीं होती। इस साइड को थोड़ी स्पीड से लेके आ जा, हाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन इस साइड को ला तो फिर, इस साइड खाली बैक करके साइड को ला, हाँ दे सीधी इस साइड को। नहीं 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 आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, यहाँ टकरा। अभी गाइस मैं लेके आता हूँ अपनी थार को, में चढ़ गई भाई हमारी गाड़ी। और अब आगे का जो ऑब्स्टिकल है भाई, यहाँ से आगे को, अब यहाँ से चढ़ा के आगे से नीचे गाड़ी उतार। चलो पहले चलते हैं वहाँ पे, मैं तो देखा अभी पीछे में दबी है ना, आना रहा है नहीं चढ़ी भी मेरी लगे चाहे तो 4x4 ही करने के रेडी थे। तो भाई आ रहा है कैंपर, हाँ हाँ चल आने दे, जाने दे भाई, आने दे आने दे आने दे, इस साइड को कर ले। अरे पत्थर की तरफ कर, उस साइड को क्यों जा रहा भाई तू, कर लेना एक बार, तू गलत कर रहा है, पल्ली साइड को, पल्ली साइड को गलत हो जाएगी गाड़ी, इस साइड को कर मेरे मानने से। ले लिया पत्थर के ऊपर से काट लेना फिर उस साइड को, चला आएगी फिर तो आ जाए। आंदे 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 आण दे कुछ नहीं है, आण दे नॉर्मल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल है। चलो 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 चल 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 चल, सुन सुन क्या, नहीं नहीं आज नहीं, चलो स्लो स्लो चल, बस ऐसे ऐसे ही चल, बस चल चल, नंबर प्लेट लगनी है उन्हें, बस यही लगे। अरे टेढ़ी है माड़ी सी, थोड़ी सी लगेगी ना, जान दे चल चल,
ए बढ़िया सीन ओके क्या सारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बहुत ही अच्छी मजा आया भाई आराम से भाई आराम से ज्यादा बधाई नहीं मनी उछले थी कुछ मनी भी क्या बोल गया इनके बोल रहे किसी दुकान का ले मैं ऐसे भीड़ है यार मुझे पता नहीं चलो 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 A few moments later. Guys, बताते हुए बुरा लग रहा है अभी जो भाई हम ऑफ रोड करके आए ना तो ऑफ रोडिंग के टाइम भाई नीचे से गाड़ी टच हो गई एक ऑब्स्टिकल ऐसा लगा भाई इतने जोर से गाड़ी ऊपर उछली कि भाई गाड़ी का मतलब एग्जॉस्ट फ्यूल की जो टंकी होती है ना वो नीचे से टकरा गई और उसका ड्रेन है टूट गया और सारा मेरा DEF जो है ना मतलब जो यूरिया वो नीचे गिर गया भाई और मैंने जल्दी से आके भाई यहाँ पे ये इसके अंदर डाल दिया सारा देखो यही निकला मतलब 5 लीटर 6 लीटर निकला सारा और बाकी भाई रास्ते में निकल गया अभी घर आके मेरे को पता लगा मैंने कि पीछे से क्या निकल रहा है मैंने सोचा पानी होगा लेकिन पानी नहीं था भाई ये यहाँ से देखो भाई मैं अभी दिखाता हूँ आके सीधा भाई मैंने वो चीज़ निकाल दी हम भी ये देखो ये वाला नट है ना ये ड्रेन नट है एक ड्रेन नट ये है एक ड्रेन नट ये वाला है ये वाइट वाला ठीक है तो गाड़ी इतने ज़ोर से उछली यहाँ पे टच हो गया कुछ ना एकदम से और ये प्लास्टिक को होता और यहाँ से क्रैक हो गया देखो अब इसका इलाज क्या देखो यार ये खुल भी नहीं रहा एकदम जाम है टूट गया ना जोर लगा रहे हैं तो भाई टूट जाएगा अब इसको लॉक कर से कैसे करेंगे मैं टंकी को बाहर निकाल रहा हूँ टंकी उतार के इसको अच्छे से रिपेयर करते हैं और जब सर्विस सेंटर जाएंगे तो ये वाला ड्रेन प्लग हम नया डलवा लेंगे करते हैं कुछ इसका उतारते हैं टंकी और इसको रिपेयर करके फिलहाल के लिए इसको बंद कर देते हैं किसी चीज से आज ऑफ रोड थोड़ी सी महंगी पड़ेगी मेरी अगर गाड़ी के अंदर यूरिया नहीं है ना तो गाड़ी चलती नहीं है तो इस टंकी की वायरिंग खोलने से पहले भाई मैं गाड़ी का जो बैटरी है उसको डिस्कनेक्ट करता हूँ क्योंकि इसके अंदर आती है वे सेंसर की लाइट इसकी निकालते हैं भाई एक वायर अगर ये बैटरी नहीं निकालेंगे ना तो गाड़ी हिस्ट्री नोट कर लेगी कि इसका सेंसर खोला गया नीचे से और लाइट आ जाएगी और लाइट जो भाई बिना उसके वो क्या बोलते हैं उसको मिनी स्मार्ट लगाना पड़ेगा उसके बाद इसका सेंसर की लाइट बंद करनी पड़ेगी तो मैंने कर दी है अब खोलते हैं भाई इसकी DEF वाली ये टंकी ये वाली वायरिंग जो ना ये खोलेंगे पहले दो नट गाइस हमने यहाँ से खोल दिए अब बचे हैं भाई इस साइड के दो नट ये वाले ये दो खोलेंगे और टंकी हमारी बाहर आ जाएगी तो गाइस ये देखो भाई ये टंकी मैंने बाहर निकाल दी है तो गाइस यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं ग्लू गन अच्छी रहेगी यहाँ पे आराम से यहाँ पे ग्लू गन से इसको ये अच्छे से यहाँ से भर देंगे चलो भाई हो गया काम मेरा और जो खराब था इसके ऊपर मैंने ग्लू गन लगा दिया अच्छे से पूरा बंद कर दिया इसको तो इसके लिए ऐसे ये सही हो गया बिल्कुल ना कोई लीकेज ना कुछ बाकी इसको फिट कर देते हैं अंदर और बस भाई हमारी टेंशन खत्म हो गई फिर चलिए वैसे यही था वीडियो के अंदर वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद थैंक यू जय हिंद जय भारत